वेलकम टू फूड कनेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। रेसिपी के लिए हमारी वेबसाइट फूड कनेक्शन बाय मधुलिका.com पर विजिट करें। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट में बनने वाले पोटैटो पॉपकॉर्न बनाएंगे। पॉपकॉर्न घर पर इजीली मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स से आसानी से बनाए जा सकते हैं और ठंडे और बारिश के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट स्नैक है। पहले हम उबले हुए आलू को किसनी से कसेंगे। इस तरह से हमने सारे आलूओं को कस लिया है। अब इसमें बेसन, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा फ्रेश धनिया, स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और हाथों से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, हमें इसे सिर्फ मसालों को मिलाना है। अब इस आटे के से हमें रफली अनइवन शेप के बॉल्स बनाने हैं। इन्हें तोड़ तोड़ कर एक प्लेट में इकट्ठा कर लें। इस तरह का शेप देने से ये क्रिस्पी बनेंगे। अब एक प्लेट में ड्राई ब्रेड क्रम्स लें और इन छोटे छोटे आलू के पीसेस को इन ब्रेड क्रम्स से कोट करें। ड्राई ब्रेड क्रम्स की रेसिपी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इन पीसेस को हल्के हाथों से ही कवर करना है, ज्यादा इन्हें प्रेशर ना दें। अब जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उन्हें हटाएं और एक बाउल में इकट्ठा करते जाएं। अब ये तलने के लिए एकदम तैयार हैं। इन्हें तेज तेल गर्म में हाई फ्लेम पर तलें। तेल में डालते ही इन्हें एकदम से नहीं टच करना है, वरना ये बिखर सकते हैं। थोड़े फर्म होने के बाद में इन्हें फ्लिप करें और गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। देखिए अच्छे से तल चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में बाहर निकालें। सारे पॉपकॉर्न तल लें और देखिए ये बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट हैं। अब इन पर हॉट मसाला और फ्रेश कोरिएंडर स्प्रिंकल करें और नींबू के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। थैंक यू।